इंदौर में एक युवक ने महज नई बाइक नहीं दिलाने से नाराज होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक परिजनों से अपाचे बाइक की मांग कर रहा था, हालांकि आर्थिक स्थिति को देखकर परिजन उसे सेकेंड हैंड बाइक दिलाई थी, लेकिन उससे भी वह खुश नहीं हुआ। आधुनिकता और सोशल मीडिया के इस जमाने में युवा कितने जिद्दी हो गए हैं कि उनकी एक बात नहीं मानने पर वह बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आर्थिक राजधानी इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां बड़ा बांगरदा में रहने वाले विशाल दहिया नामक युवक ने महज इसलिए आत्महत्या कर ली कि परिजनों ने उसकी मनपसंद अपाचे बाइक नहीं दिलाई। परिजनों के मुताबिक विशाल को कुछ दिन पूर्व एक पुरानी बाइक दिलाई गई थी, लेकिन वह नई बाइक दिलाने की जिद कर रहा था। जब परिजनों ने उसे बाइक नहीं दिलाई तो वह अपने खेत पर गया, जहां उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी मौत हो गई। कारण सामने ये आया है कि ये गाड़ी की मांग कर रहा था घर से। 6 महीने पहले इसको एक सेकेंड हैंड गाड़ी दिलवा दी थी। अब घर से इतने सक्षम नहीं है कि गाड़ी नहीं दिलवा दे इनको वापस, और अपाचे की मांग कर रहा था कभी 1.5 लाख की गाड़ी। बोले भैया रुक जा, रुक दिलवा देंगे तेरे को, मेहनत मजदूरी करके काम चल रहा है इनका। कहे खेत पर गया और कहीं लिक्विड में दवाई थी कोई, वो दवाई पी ली उसने। ये परसों की घटना है, इलाज के दौरान कहाँ पर ये बॉम्बे हॉस्पिटल। आपको नहीं, मैं गांव का हूँ, विनोद मोरी। फिलहाल गांधीनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।